સુરતના સારોલી પોલીસ મથકમાં કાપડ વેપારીએ બે વેપારીઓ સામે 21.8 લાખની ઠગાઈની ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ મામલે સારોલી પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. સારોલી પોલીસ પાસેથી મળતી વિગત મુજબ સુરતના સિટીલાઇટમાં રહેતા 60 વર્ષીય અજયભાઈ રામનિવાસજી વારસને સારોલી સ્થિત RKPLP ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં AA ટેક્સટાઇલના નામે ડ્રેસ મટીરિયલનો વેપાર કરે છે. વર્ષ 2016માં હરિયાણાના અંબાલામાં મનીષ એન્ટરપ્રાઇઝ, મોડર્ન ક્રિએશન અને પંજાબના લુધિયાણામાં RV ક્રિએશનના નામે વેપાર કરતા પિતા પુત્ર હરીશ રોશનલાલ અલગ અને મનીષ તેમની દુકાને આવ્યા હતા. પિતા પુત્રએ પોતે હરિયાણા અને પંજાબના મોટા વેપારી છીએ અને 90 દિવસમાં પેમેન્ટનો વાયદો કરી વેપાર શરૂ કર્યો હતો. તેમની પેઢી મોડર્ન ક્રિએશનને માલ મોકલતા તેમણે સમયસર પેમેન્ટ કરતા અજયભાઈએ તેમની 3 પેઢીને ગત 29 નવેમ્બર 2017થી 6 ડિસેમ્બર 2022 દરમિયાન કુલ 21,08,000થી વધુનો માલ મોકલ્યો હતો. જો કે તેનું પેમેન્ટ સમયસર નહીં આપતા અજયભાઈએ માલ મોકલવાનું બંધ કરી ઉઘરાણી કરતા પિતા પુત્રએ ઉડાવ જવાબ આપ્યા હતા. આથી થોડા સમય અગાઉ અજયભાઈ ઉઘરાણી માટે અંબાલા ગયા હતા ત્યારે પિતા પુત્રએ તેમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. બાદમાં પિતા પુત્ર ઉઠમણું કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. અન્ય વેપારીઓના પણ પૈસા આ પિતા પુત્ર પાસે ફસાયા હતા. આ અંગે અજયભાઈએ પિતા પુત્ર વિરુદ્ધ સારોલી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. मैं अजय वाशने हूँ और मेरा RKLP में AA टेक्सटाइल के नाम से कपड़े का व्यापार है. और मेरी एक शिकायत जो मैंने यहाँ सरोली थाने में दर्ज कराई है वो हरीश अलग और मनीष अलग जो अंबाला में कपड़े का काम करते हैं, इन्होंने हमें विश्वास में लेके काफ़ी कपड़ा हमसे उधार लिया और थोड़ा बहुत पेमेंट किया और बहुत मांगने पर भी बार बार हमारे पेमेंट के लिए हमें टालते रहे और पेमेंट नहीं दे के सिर्फ वायदे करते रहे कि हम पैसे देंगे 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 देंगे, लेकिन हमारे बहुत कहने पर भी उन्होंने हमें बाकी का पैसा नहीं दिया. इसके अलावा जब हम बार बार उनसे कह के थक गए तो वो हमें और धमकाने लगे कि हम पैसे नहीं देंगे, तो मैं जैसे लेने हैं वैसे ले लो. तो हार कर मैंने यहाँ पर सरोली थाने में उनकी शिकायत दर्ज कराई है और मेरा पुलिस से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उनकी धरपकड़ करके हमारा बकाया पैसा दिलाया जाए. और इन लोगों पर पहले से भी 3 या 4 FIR पहले से यहाँ सूरत में दर्ज हैं. ये लोग एक तरह से पेशेवर नादिन वाले लोग हैं. हमने एक्चुअली पहले वो लोग हमारे ऑफिस ही आए थे सीधे और शुरू में एक दो एजेंट के थ्रू भी उन्होंने कपड़ा लिया हमसे और उसके बाद फिर उन्होंने सारे कपड़े हमारे डायरेक्ट और हमारे ऑफिस में आके लिए हमसे. कितने रुपए का माल लिया? लगभग सब मिला के उनके तीनों चारों फर्मों में उन्होंने मिला के 50-60 लाख का कपड़ा लिया जिसमें हमारा 21-22 लाख रुपया बाकी. आरोपी का नाम क्या? आरोपी का नाम हरीश अलग और मनीष अलग. क्या मांग है? मेरी पुलिस से यही मांग है कि उनकी धरपकड़ करके हमारा जो भी पेमेंट बाकी है जिसके कारण हमें बहुत तकलीफ हो रही है व्यापार करने में, वो पैसा जल्द से जल्द दिलाया जाए और बाकी लोगों की जो भी FIR है उनकी भी सुनवाई हो जल्द से जल्द. हमारी यही उम्मीद है और यही सोच है प्रशासन से और पुलिस से. मैं विशेषतया फोस्टा को बहुत धन्यवाद दूंगा और उनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस केस में हमारी बहुत सहायता की और हमें यहां तक पहुंचाया. इस मुकाम किस तरह आपकी सहायता की गई? हमारी जैसे पुलिस रिपोर्ट या हमारी सुनवाई, हमारी कमिश्नर से बात कराने में या जो भी चीज़ है इस चीज़ में प्रशासनिक रूप से हमारी बहुत मदद की फोस्टा ने और हमें आशा है कि फोस्टा इस केस को सॉल्व कराने में पूरे बाजार की, मार्केट की, समाज की, सबकी मदद करेंगे जिन लोगों के पैसे बाकी हैं. ब्यूरो रिपोर्ट H24 न्यूज़ सूरत.